चर्चा मैं शुरू करना चाहता हूं यहां से, जिंदगी में इसका कोई महत्व है? बिल्कुल महत्व नहीं है। कितना महत्व है जिंदगी में इसका? जैसे आज के दिन अगर एक आदमी की औसत आयु देखें, मतलब एक ठीक ठाक आयु देखें, तो लगभग 90 साल 95 साल 100 साल ऐसे लोग जी रहे हैं। 100 साल वाले तो अब रेयर मिल रहे हैं, लेकिन 70 साल 80 साल 90 साल 95 साल ये रेंज है। अगर जिंदगी का 90 साल रेंज माने और उसको देखें, तो आज के दिन हम पढ़ाई में कितने साल खर्च कर रहे हैं 90 साल में से? इक्कीस साल में देखे, 17 साल में तो इंटर हो रहा है, 16-17 साल में ग्रेजुएशन करने गए तो कितना हो गया? 20-21 साल हो गया। मास्टर्स किए तो 23-24 साल हो गया। पीएचडी करने चले गए तो 28-30 साल। औसत आदमी जिंदगी का 25 साल खर्च कर रहा है किसमें? शिक्षा जी। तो अभी वर्तमान में जिस शिक्षा से हम आप गुजर रहे हैं, विश्वविद्यालय का जो भी शिक्षा पद्धति है, उसमें जिंदगी के कितने साल लगा रहे? कम से कम 25 साल। 25 साल में जितनी किताबें आप पढ़ते होंगे, प्ले ग्रुप से लेकर के पीएचडी तक, उन सारे किताबों को रख करके यहाँ चादर में लपेट के बांध दें, तो सारी किताबें कॉपियाँ जितना आपने लिखा होगा, किताबें जो पढ़ी होंगी 55 से लेकर PhD तक, कितने किलो होंगी? उसके एक एक शब्द को पढ़ा है आपने, एक एक शब्द को खुद से कॉपियों में लिखा है। छोटा काम है, पहाड़ जैसा काम है, लेकिन ये पहाड़ जैसा काम कर किस लिए रहे? इसलिए कि घर वालों ने करने के लिए दौड़ा दिया है, इसलिए कि सब कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना है, या इसलिए कि कुछ और करने को नहीं है इसलिए करना है? तो कई उत्तर हो सकते हैं, आपका उत्तर क्या है? बचपन से लेके पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, 23-24 साल 25 साल पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, क्विंटलों किताबें पढ़ रहे हैं, क्विंटलों कॉपियां लिख रहे हैं, एक एक शब्द पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द लिख रहे हैं, जिंदगी का सारा ऊर्जावान समय किताबों में खपा रहे हैं। कुछ उद्देश्य होगा ना? तो तीन उद्देश्य तो मैंने बता दिए भाई, माँ बाप ने दौड़ा दिया, हम क्या करें? हम तो पहले ही नहीं जाना चाहते थे, बचपन में पहली क्लास में तो रो रो के ही गए थे, घर वाले धक्का दे के भेज के आए थे, हम तो घर में पढ़ना नहीं चाहते थे, मार पीट के यही पढ़ाते थे। तो हमको तो उत्तर नहीं पता, हमारे माँ बाप ही बताए। तो भैया तो माँ बाप बताए या हम बताए, या हम माँ बाप बन जाए तब बताए, नहीं तो उत्तर तय करना पड़ेगा ना। क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये 25 साल की इतनी रिग्रस शिक्षा जी? हाँ खुल के बोले ना, उसका पैसा कमाने के लिए। तो एक उत्तर तो आएगा, 25 साल शिक्षा में इसलिए लगा रहे हैं ताकि जीवन यापन करने के लिए जितना पैसा जरूरी है वो कम से कम कमा सके, और हाँ काबिल बनने के लिए, है ना। पूरी शिक्षा में काबिल क्या है ये तय हो पाता है? 30 साल की शिक्षा में 25 साल की शिक्षा गुजरने के बाद काबिल किसे कहेंगे ये तय हो जाता है? तो जैसे कहा IAS बन जाओ तो काबिल कहलाओगे, साल भर में तो 400 IAS बनते हैं, बाकी तो बेकाबिल हो गए, खत्म हो गया फिर तो कहानी। बोले IIT निकाल लो तो काबिल हो जाओगे, यानी कि 4000 काबिल होंगे बाकी सारे बेकार। तो काबिल भी शिक्षा में तय हो पा रहा है क्या कि इस शिक्षा से गुजर के सब काबिल कैसे बने, और क्या काबिल होने का डेफिनेशन है? आगे बात करेंगे इस पर। दो उत्तर आए अभी और जी है, भौतिकवाद में जाने के लिए, भौतिकवाद में सफल होने के लिए जी, के लिए कोई भी, और सुविधा के लिए, सुविधाओं के लिए, सुविधाएं जुटा सके, और लोग भी बताएं। जीवन जीने का तरीका बिना शिक्षा के ही नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। शिक्षा से गुजर के जीवन जीने का तरीका निकल पा रहा है? शिक्षा सीख के ही जीवन आगे बढ़ता है, बढ़ता है। तो ये अपेक्षा है हमारी, ये बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि भाई एक मुख्य अपेक्षा तो ये शिक्षा से, कि शिक्षा से गुजर के हम ये देख पाए कि जीवन जिया कैसे जाएगा, लेकिन अब अगला प्रश्न ये आ रहा है कि वो हो पा रहा है कि नहीं? नहीं हो पा रहा। तो दोनों को देखते चलेंगे, लेकिन अपेक्षा तो ठीक ही है, जितनी भी अपेक्षाएं आ रही कोई अपेक्षा गलत थोड़े। एक भूमिका मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ, थोड़ा जांच के देखिए कि आपका जो अपेक्षा है इसमें शामिल है कि
शिक्षा की भूमिका मैंने लिखी है कि मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करना। मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि आपके लिए इन तीनों में से कौन सा भय प्रमुख भय है आज के दिन। तीन भय लिखा है, हिंसक पशुओं का भय, प्राकृतिक आपदा का भय, मानव के अमानवीय व्यवहार का भय। इस कौन सा भय ज़्यादा प्रमुख है? मानव के। हाँ, ये कुछ ही लोग का है या सबका उत्तर यही है? सभी का है। पीछे वाले, पीछे जो बैठे हैं, आपका उत्तर तीनों में से कौन सा वाला है? तीसरा वाला। इधर तीसरा वाला, ठीक है। इधर आपका उत्तर कौन सा है इसमें? तीसरा वाला, ठीक है। बुजुर्ग लोगों से भी पूछ लेते थोड़ा, कौन सा वाला पीछे लाइन में? जी तीसरा वाला, ठीक। तो कौन सा उत्तर आ रहा है? तीसरा वाला। अभी देखेंगे ना, हिंसक पशुओं के भय का क्या हालत हो गया। एक समय आदमी सबसे अधिक डरता था शेर से, बाघ से। आज के दिन जंगल घूमने जाइए तो चित्र बना के रखते हैं ना, बोर्ड लगा के रखते हैं, जीवों पे दया करिए। और उसमें फोटो किसका लगा के रखते हैं पता है ना? उसमें शेर का और बाघ का ही चित्र होता है। उसको आदमी के दया की ज़रूरत है, तब बेचारे जो बचे खुचे हैं वो जी पा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का तो बहुत सारा उपाय आदमी ने कर लिया है, भूकंप वगैरह थोड़ा बहुत रह गया है, बाकी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, अपन बैठ सकते हैं इन छतों के नीचे। लेकिन ये वाला जो भय है, मानव के अमानवीय व्यवहार का भय, ये उपाय इसका कुछ हो पाया है या ये भय अभी के अभी भी बना हुआ है? और ज्यादा बढ़ गया। क्या कह रहे? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बोले ये कम होने की जगह बढ़ रहा है। ये भय कम हो जाए इसके लिए उपाय क्या किए थे? तो उपाय ये किए कि भाई आदमी को पढ़ा लिखा दिया जाए, आदमी काबिल हो जाए, सभ्य हो जाए, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब मैं यही पूछ लेता हूँ धीरे धीरे, सिर्फ अनपढ़ों से ही ये भय है कि पढ़े लिखों से भी? दोनों से। ज़्यादा किससे? पढ़ाई लिखाई कराए तो इसलिए थे कि भय कम होगा। अच्छा, लोग बोले ना कि जो पढ़ा लिखा, हमने पूछा भाई क्यों उत्तर ऐसा आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि जो पढ़े लिखे नहीं है तो जब गुस्सा होते हैं तो समझ में आता है, चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, है ना, तो थोड़ा आदमी सावधान हो जाता है। बोले जब ये पढ़े लिखे हैं, जो ये पढ़े लिखे हैं, इनको तो कई बार देख के समझ में नहीं आता कि गुस्सा है कि गुस्सा नहीं है। क्या मतलब? बोले जब ये डांट रहे होते हैं तो उतना डर नहीं लगता, जब ये मुस्कुरा रहे होते हैं तो ज्यादा डर लगता है। ठीक है, ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन भी ले लेते हैं। ये वाला जो भय है, ये सिर्फ अपरिचित लोगों से ही है कि परिचितों से भी है? परिचितों से ज्यादा है। जैसे दिन भर में कितनी बार आप अपरिचितों से भयभीत होकर दुखी होते हैं और कितनी बार परिचितों से भयभीत होकर दुखी होते हैं? ये सब ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया। थोड़ा एक और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पेड़ पौधों का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। तो प्रकृति में हर इकाई का आचरण निश्चित दिखाई देता है, लेकिन आगे लिखा है किसके अलावा? मानव के अलावा। जैसे पेड़ पौधों का आचरण कैसे तय होता है? उनके बीज, जैसा बीज होता है वैसा उनका आचरण। पशु पक्षियों का आचरण कैसे तय हो जाता है? उनके वंश। लेकिन आदमी का आचरण किससे तय होता है? उसके बीज से या वंश से या उसके शिक्षा संस्कार से? शिक्षा संस्कार। तो आदमी का आचरण शिक्षा संस्कार से तय होता है। किसी मांसाहारी परिवार के बच्चे का शिक्षा संस्कार अलग ढंग का हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मांसाहारी रहेगा। किसी शाकाहारी परिवार के बच्चे का शिक्षा संस्कार अलग ढंग से हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो शाकाहारी ही रहेगा। आदमी का आचरण किससे तय होता है? शिक्षा और संस्कार। इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार की भूमिका मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता में विकास करना है।